रफाल और मीटो कैंपेन को लेकर मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस रोज इन मुद्दों को उठाकर ताबड़तोड़वार कर रही है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य विपक्षी दल ने जमकर सवालों के तीर दागे। जहां कांग्रेस ने मीटो को लेकर पूछा कि आखिर इस कैंपेन पर पीएम मोदी चुप क्यों हैं, तो वहीं रफाल पर एक बार फिर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की मांग की। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले रफाल डील कांग्रेस के हाथ वो हथियार है जिससे वो मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाती जा रही है। बीजेपी ने बचाव में पूरी ब्रिगेड उतार दी है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस के हमले बंद होने की जगह और तेज होते जा रहे हैं। कल ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेंगलुरु में HAL के कर्मचारियों से मुलाकात कर पीएम मोदी और रक्षा मंत्री दोनों को घेरा था। उनके साथ के बाद तो HAL के कर्मचारियों ने भी सुर बुलंद कर सरकार को चेतावनी दे दी थी। वहीं आज कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रफाल डील को लेकर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि इस डील में अंबानी को शामिल कर मोदी सरकार ने देश को धोखा दिया है। कांग्रेस ने एक विमान की कीमत 560 करोड़ तय की थी, जबकि बीजेपी सरकार ने 1600 करोड़ में डील कर जनता का पैसा लूटा है। रफाल पर तो कांग्रेस बीजेपी की बेचैनी बढ़ा ही रही है। वहीं अब #MeToo कैंपेन को लेकर भी कांग्रेस ने पीएम की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए पार्टी की परेशानी बढ़ाई है। आनंद शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी देशवासियों को ये बताएं कि वो ऐसे मामलों पर क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार की मर्यादा और पीएम पद की गरिमा का सवाल है। देश में इतनी बड़ी बहस चल रही है, जनता और महिलाएं इस पर पीएम मोदी की सोच जानना चाहती हैं, और देश ये भी जानना चाहता है कि आप इस पर क्या करेंगे। कांग्रेस के तेवर मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक होते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि पीएम मोदी रफाल से लेकर #MeToo पर क्या जवाब देते हैं। DB Live की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।